नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में। तो उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फाइनली यहां पर देखिए, आज जो बैंक निफ्टी ने जो हाई बनाया वो बैंक निफ्टी ने हाई बनाया 31,358 का और जो लो था वो 31,006 का, मतलब 31,000 आप मान लीजिए। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि हम यहां पर आज 350 पॉइंट्स की हमने मूवमेंट की ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ। तो यहां पर देखिए फाइनली देखिए, जैसा कि कल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहां पर मे बी कोई डोजी कैंडल बने या फिर कोई बियरिश कैंडल बनने के बाद यहां से मार्केट रिवर्स हो, कोई डबल टॉप एक्टिव हो, पर यहां पर डबल टॉप एक्टिव हुआ ही नहीं। यहां पर कोई डोजी कैंडल नहीं बनी, कोई कुछ नहीं बनी। दूसरा लॉजिक मैंने आपको बताया था कि यहां से देखिए हमारे पास एक ट्रेंड लाइन थी, मैं अभी आपको 15 मिनट के चार्ट में लेकर चलूंगा और मैं आपको प्रॉपर लॉजिक समझाऊंगा कि हमने किस बेस पर ट्रेड लिया था। अब देखिए मैं आपको एक चीज और यहां पर दिखाऊंगा, जरा चीजों को ध्यान से देखा करिए। मैं यहां पर पहले ये चार्ट आप ध्यान से देख लीजिए, इसके बाद मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखाने वाला हूं, ठीक है? आपने ये चार्ट, अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये चार्ट ध्यान से देख लिया होगा। अब मैं निफ्टी के चार्ट में चलता हूं, यहां पर मैं निफ्टी का चार्ट लगाता हूं और निफ्टी के चार्ट में मैं आपको सिमिलर चीज दिखाऊंगा कि क्या हुआ था। अब यहां पर अगर हम ध्यान से देखेंगे, ये देखिए, अब मैं यहां पर एक पैटर्न ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है? ये पैटर्न मैंने ड्रॉ किया। तो यहां पर आज जो बैंक निफ्टी में जो मूव बनी है ये एक कैंडल ऊपर बनी है। निफ्टी ने कल इसी तरह से देखिए यहां पर डबल टॉप पैटर्न यहां पर एक्टिव नहीं हुआ था और यहां पर देखिए एक कैंडल जो ये कल बनी थी वो आज बैंक निफ्टी में आज इस तरह से कैंडल बनी है। यहां पर देखिए बिल्कुल सेम चीज हुई है, यहां पर भी गैप अप ओपन हुआ है। कल के सेशन में देखिए निफ्टी गैप अप ओपन हुई थी, गैप अप ओपन होने के बाद कंटिन्यू ऊपर की तरफ चलती चली गई थी और इसके पास भी एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था। अब हम चलते हैं निफ्टी बैंक के चार्ट में, तो यहां पर मैं निफ्टी बैंक का चार्ट लगाता हूं और आपको ये चीज दोबारा दिखाने की कोशिश करूंगा। अब यहां पर आप देखिए निफ्टी बैंक का चार्ट, तो आपने देखा कि सेम चीज यहां पर देखिए, आज जो निफ्टी ने एक कैंडल और ऊपर बना दी है, बट यहां पर जो है हमने निफ्टी की कल की चार्ट हमने उसको एनालिसिस किया था और ये देखिए बैंक निफ्टी में ऐसा मे भी हो सकता है। सो यहां पर मैंने मॉर्निंग टाइम में ओपनिंग में ही एंट्री ले ली थी। अब देखिए अगर आप लोगों ने कल का वीडियो देखा होगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने बहुत अच्छे पैसे बनाए होंगे। अब देखिए मैंने कल आप लोगों को क्या चीज बताई थी कि ये एक ट्रेंड लाइन जो है नीचे से जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके लिखी हुई है, ये ट्रेंड लाइन इसके लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट का काम करने वाली है। सो यहां पर आप देखेंगे फर्स्ट टाइम यहां से बाउंस बैक हुआ है, दूसरी बार देखिए हायर हाई बनाने के बाद ट्रेंड लाइन के पास से यहां से बाउंस बैक हुआ है, तीसरी बार देखिए अगेन ट्रेंड लाइन के आसपास आया और ट्रेंड लाइन से बाउंस बैक हुआ, चौथी बार यहां पर देखिए आज जो है बाउंस बैक यहां पर देखने को मिला। सो यहां पर कल मैंने आपको क्लियर बताया था कि जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हैं तब तक हम बुलिश हैं और जैसे ही हम इस ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक करेंगे तो हम बियरिश हो जाएंगे। तो फाइनली देखिए यहां पर कोई ऐसा मौका देखने को ही नहीं मिला कि हम यहां पर नीचे की तरफ बियरिश हो जाए और फाइनली देखिए जैसे मार्केट ओपन हुई, मार्केट ओपन होने के सार ही 1 या 2 मिनट के बाद मैंने 31,000 की कॉल ले ली थी और 31,000 की कॉल में हमने 1:6 रेशो बुक किया, मतलब आप समझ लीजिए बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बुक किया। क्यों बुक किया? क्योंकि वहां पर क्वांटिटी हमने बहुत जबरदस्त ज्यादा क्वांटिटी ले ली थी और देखिए क्वांटिटी आप कब बढ़ा सकते हैं, क्वांटिटी आप तभी बढ़ा सकते हैं जब आप किसी ट्रेड में फुल्ली कॉन्फिडेंस हो, आपको किसी ट्रेड में फुल कॉन्फिडेंस हो, आपके पास मल्टी कंफर्मेशन हो। अब मेरे पास यहां पर मल्टी कंफर्मेशन क्या थे कि मैंने जो निफ्टी का चार्ट देखा था वो चार्ट मैंने इस तरह से एक्सपेक्ट किया था कि आज बैंक निफ्टी में इस तरह से मूव हो सकती है क्योंकि निफ्टी ने डबल टॉप पैटर्न वहां पर एक्टिव नहीं हुआ है। सो यहां पर मेरे को ऐसी एक्सपेक्टेशन थी कि यहां पर निफ्टी बैंक में भी डबल टॉप पैटर्न एक्टिव नहीं होगा और इस ट्रेंड लाइन से बाउंस बैक हो जाएगा। सो देखिए मैंने आप लोगों को क्लियर कट बता दिया था कि जैसे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बाउंस बैक होता है या फिर अगर यहां पर आप देखिए, दूसरी चीज मैंने आपको यहां पर बताई थी, अगर 5 मिनट की कैंडल, 5 मिनट की कैंडल का आप हाई और लो देख लीजिएगा, जब यहां पर गैप अप ओपनिंग होती है 5 मिनट की कैंडल के हाई के ऊपर आप जो है एंट्री ले सकते हैं और 5 मिनट की कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगाकर। देखिए ये कल मैंने आपको बताई थी और ये भी बताया था कि ये बिल्कुल सही जगह है बाउंस बैक होने के लिए, अगर इसको यहां से ऊपर की तरफ जाना है, अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा तब हम यहां पर जाकर अपना व्यू चेंज करेंगे और सेलर बनेंगे। और फाइनली यहां पर देखिए कितनी अच्छी और जबरदस्त मूव हमको यहां पर देखने को मिली, देखिए ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं कर पाया, उसके बाद अगेन जो है इसी ट्रेंड लाइन के आसपास से फिर दोबारा बाउंस बैक हुआ। सो मतलब देखिए आप छोटी छोटी चीजों को समझिए, ट्रेंड लाइन की इंपॉर्टेंस को समझिए, सपोर्ट के इंपॉर्टेंस को समझिए, रेजिस्टेंस की इंपॉर्टेंस को समझिए, ये किस तरह से काम करते हैं। तो चलिए अब यहां पर देखिए क्या हो सकता है, अब हम कल की चर्चा करेंगे कि बैंक निफ्टी में हमको कल किस तरह से ट्रेड करना है। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, मैं एक लेवल इस तरह से ड्रॉ करने जा रहा हूं, ये जो लेवल है देखिए, अब इसके लिए एक रेजिस्टेंस हमारे पास जो है, ये आज का रेजिस्टेंस हमारे पास 31,350 के आसपास है। अब कल हमको क्या करना है, 31,350 के आसपास, देखिए आज मैं आप लोगों को फिर अगेन वही चीज बताऊंगा कि जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हैं, ये ट्रेंड लाइन ध्यान से देख लीजिएगा, आप चार्ट में ड्रॉ करके भी देखिएगा कि जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हैं हम तब तक बुलिश हैं, हम तब तक यहां पर बियरिश होने वाले नहीं है। एक चीज अपने दिमाग में ध्यान से इसको बैठा लीजिए कि हम जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हैं हम तब तक
कॉल साइड के ही ट्रेड लेंगे या फिर हम पुट सेल करेंगे। यहाँ पर अभी हम बेरिश होने की हमको जरूरत नहीं है। हम जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करते तब तक हमें यहाँ पर डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा तब जाकर हम यहाँ पर अपने सेल के ट्रेड एक्टिव करेंगे। अब देखिए मैं कल कल के लिए मैं आपको व्यू बता देता हूँ। कल देखिए मे बी यहाँ पर क्या हो सकता है, मैं 5 मिनट के चार्ट में चलता हूँ। 5 मिनट में चार्ट में आपको मैं अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। पहले मैं ट्रेंड लाइन यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ट्रेंड लाइन तो मैंने आपको दिखा दी है ड्रॉ करके, आप भी एक बार ड्रॉ करके जरूर देखिएगा कि ट्रेंड लाइन किस तरह से यहाँ पर वर्क कर रही है। तो चलिए मैं इसको अभी छोटे फ्रेम में ट्रेंड लाइन को मैंने लगा लिया है। तो फाइनली अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये जो एक लेवल था 31,330 और 350 के आसपास, यहाँ पर मार्केट जो फर्स्ट टाइम जब यहाँ पर गई है, फर्स्ट टाइम तो यहाँ पर गई थी उसके बाद नीचे की तरफ आई थी। सेकंड देखिए आज 10 बजे के आसपास मेरा जो है नेट की कनेक्टिविटी थोड़ी खत्म हो गई थी और नेट का इश्यू आ गया था। बिकॉज देखिए पंजाब में कुछ फार्मर्स का जो है प्रोटेस्ट चल रहा है और उस प्रोटेस्ट के चलते जो है कई टावर वो बंद कर दे रहे हैं या फिर उसकी इलेक्ट्रिसिटी पावर को बंद कर दे रहे हैं, तो थोड़े से ऐसे इश्यू मतलब यहाँ पर चल रहे हैं। सो आज जो है मतलब हमारे एरिया का जो है टावर शायद बंद कर दिया गया या फिर क्या हुआ, मतलब हमारे 3 घंटे के लिए मैं इंटरनेट से कनेक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो गई थी। आफ्टर 3 आवर्स जाकर हमको जो है इंटरनेट की कनेक्टिविटी मिली। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए हमने किस तरह से अगेन जो है ट्रेड लिया। यहाँ पर देखिए मैंने आप लोगों को चार्ट भी पोस्ट किया था और मैंने बताया था कि जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट होगा तो यहां पर हम बाइंग करने वाले हैं। और ये आप लकीली समझ लीजिए कि जैसे ही यहां पर ब्रेकआउट होने को था उसी टाइम हमारा नेट चालू हुआ और उसी टाइम जैसे ही ब्रेकआउट हुआ वैसे ही मैंने ट्रेड ले लिया। ये ट्रेड मैंने आपको टेलीग्राम चैनल में भी दिया था कि ये चार्ट मैंने बनाकर दिया था कि यहां से ब्रेकआउट होगा तो हम यहां पर बायर बनने वाले हैं। सेकंड देखिए अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में मैं आप लोगों को थोड़ी थोड़ी देर पर समझ लीजिए घंटे घंटे पर मैं आप लोग अपडेट करते रहता हूँ, बताते रहता हूँ कि अभी कौन सा ब्रेकआउट होने वाला है। जैसे मैंने ये चार्ट आपको दिया था और यहां पर बताया था, यहां भी ब्रेकआउट हुआ नहीं था, मैंने आपको चार्ट दे दिया था कि अगर ये ब्रेकआउट होगा तो हम ऊपर की तरफ जाने वाले हैं। सो देखिए मैं आप लोगों को इस तरह के चार्ट कंटिन्यू पोस्ट करते रहता हूँ। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कहां पे हो रहा है, कहां पे हर्डल है, कहां क्या है, मैं वो सारी चीजें आपको टेलीग्राम में अपडेट करते रहता हूँ। सो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेक्निकल एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चार्ट पैटर्न को देखकर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखने में आपको बहुत मदद मिलने वाली है। तो फाइनली देखिए एक ट्रेड तो हमने यहां पर लिया जहां से बाउंस बैक हुआ, ठीक है। सेकंड यहां पर देखिए एक डबल टॉप मैंने आपको टेलीग्राम चैनल फिर बताया था कि यहां से देखिए फर्स्ट टॉप यहां पे लगा हुआ, दूसरा टॉप यहां पर दिख रहा है, तो यहां डबल टॉप पैटर्न एक्टिव हो सकता है। फाइनली यहां पर हमने एक ट्रेड लिया था, यहां पर 100 से ज्यादा पॉइंट्स की गिरावट आई। अगेन देखिए इस ट्रेंड लाइन के आसपास जब हमको मिला फिर अगेन हमने यहां पर बाइंग करी थी। सो यहां पर चीजें मैं आप लोगों को कंटिन्यू बताते रहता हूँ टेलीग्राम चैनल में, उसको सीखिए समझिए। कोई किसी चीज की प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे यूट्यूब कमेंट में आप मेरे को वो सवाल पूछिए, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो चलिए अब देखिए हम यहां पर कल क्या क्या कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए हमको यहां पर 31,380 के ऊपर एक बार हमको निकलना है। 31,300 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो हम यहां पर बाइंग साइड में जाने वाले हैं। अदरवाइज देखिए यहां पर अगर बैंक निफ्टी यहां पर अगर समझ लीजिए कि ओपन जो इसका ओपन होता है, ओपन वो समझ लीजिए कि 10-20 पॉइंट्स के अंदर ओपनिंग होती है और ओपनिंग के बाद जो है ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो वो बेस्ट सिनेरियो होगा, ठीक है। तो आप ऊपर की तरफ बाय कर सकते हैं। अब दूसरे सिनेरियो में देखिए क्या हो सकता है, अगर यहां पर मान लीजिए गैप अप ओपन होता है तो यहां पर आपको 5 मिनट की कैंडल देकर ट्रेड नहीं करना है। अभी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, यहां पर आपको अगर गैप अप ओपन होता है तो वहां पर एटलीस्ट आपको एक प्राइस एक्शन का वेट करना है। प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट जिस तरफ होता है उस तरफ का आपको ट्रेड लेना है। दूसरा देखिए अब यहां पर हमारे लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है सेलिंग के लिए, तो सेल के लिए मैंने इस तरह से एक लेवल ड्रॉ कर लिया है। अगर मान लीजिए एक ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो ट्रेंड लाइन ब्रेक होते ही आपको सेल का ट्रेड नहीं लेना है, आपको कम से कम एटलीस्ट इस लेवल तक 31,250 के लेवल तक वेट करना है। मे बी यहां से 31,250 के आसपास से यहां पर बाउंस बैक हो सकता है। क्यों बाउंस बैक हो सकता है, बिकॉज यहां पर ध्यान से देखेंगे तो यहां पर फर्स्ट बॉटम लगा है, सेकंड बॉटम यहां लगा है, क्योंकि देखिए यहां से बाउंस बैक हो रहा है, इस लेवल पे आता है फिर यहां से बाउंस बैक हो जाता है। और मे बी कल अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है और इस लेवल के आसपास मिलते हैं तो यहां से अगेन दोबारा बाउंस बैक हो सकता है। 31,250 का लेवल ध्यान से सुन लीजिए, अगर कल आपने पैसे बनाने हैं तो अगर 31,250 के नीचे की क्लोजिंग आ जाती है, कोई 5 मिनट की कैंडल 31,250 के नीचे क्लोज कर देती है, तब आप यहां पर जो है नीचे की तरफ सेल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि जो एनालिसिस मैंने आपको बताई आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको क्या चीज समझ में नहीं आया है, मैं आपको वो चीज अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए यहां पर मैंने लगा लिया है एक्सिस बैंक का चार्ट। एक्सिस बैंक का चार्ट मैंने बताया था कि देखिए ये जो ऊपर का जो हर्डल है 640 के आसपास हम यहां पर जा सकते हैं। यहां पर आपको बाइंग के लिए मैंने बताया था 618 रुपए के ऊपर, और टारगेट जो मैंने यहां पर दिया था आपको देखिए टारगेट मैंने 625 630 32 का दिया था, तो फाइनली 632 का टारगेट यहां पर अचीव हो चुका है। अब आगे क्या,
अब आगे हमको क्या करना है। अब यहां पर एक बार हमको 640 के आसपास में भी यहां से अगेन, जैसे देखिए इस लेवल के पास जाने के पास नीचे की तरफ गिरावट आई है, तो यहां पर जाने के बाद शायद गिरावट आ सकती है या फिर इसी फ्लो में अगर ये क्रॉस कर देता है तो यहां पर देखिए मैं बाइंग नहीं करूंगा। क्यों बाइंग नहीं करूंगा? क्योंकि ऑलरेडी यहां पर 5 दिनों से बाइंग चल रही है, ठीक है। सो यहां पर देखिए इसने जो 570 से चला है, 570 से चलते चलते 630 तक पहुंच चुका है, 632 तक पहुंच चुका है, तो इस फ्लो में जो है बायर्स इतना ज्यादा एक्टिव नहीं होंगे। सो यहां पर थोड़ा सा सस्टेन करने दीजिए, यहां पर आके एक दो दिन ये स्पेंड करता है, स्पेंड करने के बाद ब्रेकआउट करता है तो यहां पर एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट का सिनेरियो हो सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा बंधन बैंक। तो बंधन बैंक देखिए कंटिन्यू, आप लोगों को मैंने यहां पर बताया था 407 रुपए के ऊपर बाइंग के लिए, तो फाइनली टारगेट जो मैंने आपको यहां पर दिया था 417 रुपए का, इसने जो आज हाई लगाया है वो हाई लगाया है 419 रुपए का। तो फाइनली हमारा जो आज का टारगेट था इंट्राडे का, वो टारगेट तो अचीव हो गया। अब हमको आगे क्या करना है? अब देखिए, अब हमारे पास जो हर्डल है, ये हर्डल है हमारे लिए 420 का लेवल। 420 का लेवल एक बार यहां से निकलता है तो हम यहां पर टारगेट जो है 430 के लिए हम यहां पर इंट्राडे में जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक भी देखिए फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम और थर्ड टाइम, अब ये तीसरी बार जो है इस लेवल को टच करने के लिए जा रहा है। कौन से लेवल को? 1450 के लेवल को। 1450 का लेवल एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो यहां पर अगर 1450 के आसपास यहां पर आपको मिलता है तो मे बी यहां से 20-25 पॉइंट्स का डाउनफॉल आप देख सकते हैं। सो यहां पर अभी बाइंग के लिए थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। हाँ, फिलहाल अभी 1427 पे क्लोजिंग आई है, 1430 के अगर ऊपर आप मिलता है तो 1450 के आसपास आप जो है जाके प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। 1450 के ऊपर का वेट मत कर लीजिएगा, मे बी यहां पर ब्रेकआउट हो चाहे ना हो, बट यहां पर पहले आपको प्रॉफिट लॉक करना बहुत जरूरी है। देखिए मैं आपको प्रॉफिट लॉक करने के ऊपर एक मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाकर बनाऊंगा। प्रॉफिट लॉक करना कितना इंपॉर्टेंट होता है एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए। देखिए आप जब प्रॉफिट अपना लॉक कर लेते हैं तो आपके उसके बाद फिर आपके कैपिटल पे कोई रिस्क नहीं रहता है। सो प्रॉफिट लॉक करने के ऊपर मैं आपको लिए एक अच्छा सा वीडियो मैं बना के आप लोगों के आगे पेश करूंगा। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को पसंद आएगा, मेहनत करूंगा उस वीडियो पर, ठीक है। सो वीडियो जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है हमारा आईसीआईसीआई बैंक। तो फाइनली यहां पर देखिए मैंने कल आपको यहां पर बताया था 520 रुपए के ऊपर बाइंग करने के लिए, और टारगेट मैंने ये जो हाई लगा हुआ 527 के आसपास टारगेट दिया था, 525 और 530 का टारगेट दिया था मैंने सच, तो आज 530 का टारगेट भी अचीव हो गया। अब देखिए, अब जो पिछला प्रीवियस हाई था, ठीक है, ये प्रीवियस हाई के ऊपर आज हम क्लोज कर चुके हैं। यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये जो पिछला प्रीवियस हाई की जो क्लोजिंग है वो क्लोजिंग थी 525.80 रुपए की, और आज जो क्लोजिंग आई है वो 528.80 रुपए आई है। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि अब 530 रुपए के ऊपर अगर निकलता है, आज का हाई जो है 530.80 रुपए है, तो कल आप इसको 531 रुपए के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, 536 और 542 रुपए के टारगेट के लिए। लेवल्स ध्यान से सुन लिया करिए, उसके बाद ट्रेड करिया करिए। अब इस हाई को क्रॉस होना बहुत जरूरी है क्योंकि इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, मे बी यहां पर क्या पता ये एक ब्रेकआउट हो और ये हाई क्रॉस ना हो और यहां से कल मार्केट नीचे की तरफ आ जाए, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। जब तक ये हाई क्रॉस नहीं होगा तब तक हमको इसमें एंट्री नहीं करनी है। हाई को क्रॉस होने के बाद कम से कम 5 से 10 मिनट वहां पर सस्टेन करना चाहिए, उसके बाद एंट्री लीजिएगा, अदरवाइज आप यहां पर ट्रैप हो सकते हैं। क्यों ट्रैप हो सकते हैं? अगर यहां पर देखेंगे तो आप कंटिन्यू 5 दिनों से तेजी चल रही है, सो यहां पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ध्यान रखिएगा ये ब्रेकआउट में भी फेक ब्रेकआउट हो सकता है, जब तक इसका हाई क्रॉस नहीं होता तब तक इसमें एंटर मत होइएगा। नेक्स्ट है हमारा इंडसइंड बैंक। तो इंडसइंड बैंक ने फाइनली देखिए बहुत अच्छा जो है आज मूव दिया है। देखिए यहां पर मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि हमने यहां पर अभी बाइंग के लिए बिल्कुल नहीं देखना है, मैं नहीं बाइंग के लिए देख रहा हूं, ठीक है ना। और यहां पर जब तक ये जो एक हर्डल था, यहां पर देखिए मैं इसको अगर ऊपर की तरफ एक लेवल ये ड्रॉ करूं तो इसके लिए एक ये रेजिस्टेंस लेवल था, और फाइनली देखिए आज बैंक निफ्टी में जो मूव हुई उसमें इंडसइंड बैंक ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो फाइनली यहां पर देखिए 870 का लेवल क्रॉस हुआ, और यहां पर जो आज हाई लगा वो हाई लगा 917 का, तो यहां पर अब हम कल के लिए बुलिश हैं बिकॉज ये रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस हो चुका है। देखिए मैं यहां पर क्या सोच रहा था, यहां पर मैं ये इनसाइड कैंडल मैं सोच रहा था, इनसाइड कैंडल अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक होगा तो हमें बहुत तेजी से हम नीचे की तरफ आने वाले हैं, बट ये नीचे की तरफ ब्रेक ही नहीं हुआ, ये ऊपर की तरफ निकल गया। देखिए मेरे से शायद किसी क्लाइंट ने भी पूछा था कि इंडसइंड बैंक के बारे में, तो मैंने बताया था कि ये जो जिस जगह पे ये खड़ा है ये जो है इसको बाउंस बैक होने के लिए एक परफेक्ट जगह है, अगर यहां से ये बाउंस बैक होता है तो यहां से बहुत अच्छा मूव देगा, अदरवाइज यहां पर अगर 810 का लेवल ब्रेक होगा तब हम यहां से बहुत तेजी से नीचे गिरेंगे। शायद ही किसी क्लाइंट ने मेरे से पूछा था तो मैंने उनको ये चीज मैंने बताया था कि यहां से जो है परफेक्ट बाउंस बैक होने के लिए परफेक्ट जगह पे खड़ा है, सो यहां से बाउंस बैक होना चाहिए, और फाइनली देखिए बाउंस बैक हुआ, बहुत अच्छा बाउंस बैक हुआ। सो यहां पर कल अगर आप यहां पर एंट्री लेना चाहते हैं तो 918 रुपए के ऊपर लेवल ध्यान रखिएगा, 918 की क्लोजिंग एटलीस्ट क्लोजिंग चाहिए हमको, 918 रुपए की क्लोजिंग के ऊपर आप यहां पर बाइंग कर सकते हैं, टारगेट हमारा 940 रुपए रहने वाला है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा कोटक बैंक। तो कोटक बैंक ने भी देखिए यहां पर ब्रेकआउट जो है ना, मेरे को ये चीज बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है क्योंकि यहां पर वॉल्यूम यहां पर जनरेट नहीं हुआ है।
मैंने यहां पर आपको बताया था कि अगर आप यहां पर बाय करना चाहते हैं तो 1990 रुपए के ऊपर आपको बाइंग के लिए बताया था और टारगेट 2010 के आसपास बताया था, तो आज का जो हाई लगा 2020 के आसपास लगा है। सो देखिए कोटक बैंक अभी रहने दीजिए क्योंकि यहां पर अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आ रही है, जब तक कंफर्मेशन नहीं आती तब तक मैं ट्रेड नहीं करता हूं। अगर आप करते हैं तो ये आपका ट्रेडिंग स्टाइल होगा, बट मेरा ट्रेडिंग स्टाइल ये है कि जब तक किसी स्टॉक में कंफर्मेशन नहीं आती तब तक मैं उसमें ट्रेड नहीं करता हूं। मैं किसी भी स्टॉक में एंटर करने के लिए मेरे को एटलीस्ट 3 से 4 कंफर्मेशन चाहिए, 3 से 4 कंफर्मेशन के बाद ही मैं किसी स्टॉक में एंटर करता हूं। देखिए एनएससी में ट्रेड करने के लिए बहुत सारे स्टॉक पड़े हुए हैं, इसमें कंफर्मेशन नहीं है तो जबरदस्ती ट्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है। सो फिलहाल इसमें मैं अभी कोई व्यू नहीं दूंगा। नेक्स्ट है हमारा आरबीएल बैंक। तो आरबीएल बैंक भी देखिए कंटिन्यू ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के नीचे की तरफ आया और यहां से बाउंस बैक लेके ऊपर की तरफ गया। देखिए इस ये भी शायद मेरे से किसी क्लाइंट ने पूछा था, तो मैंने उनको यहां पर बताया था कि ये जो देखिए जो कैंडल बनी हुई है तो इस कैंडल के ऊपर अगर निकलता है तो हम यहां पर प्रॉपर बुलिश हैं और हम ऊपर की तरफ ही जाएंगे। 210 रुपए के ऊपर मैंने उनको भी शायद बाइंग के लिए बताया था, टारगेट मैंने उनको 230 रुपए का दिया था। तो फाइनली यहां पर देखिए 230 रुपए का टारगेट, नहीं सॉरी, उन्होंने 230 रुपए में बाइंग किया था और उन्होंने पूछा था कि यहां से सर क्या हो सकता है कि नीचे की तरफ और जा सकता है। तो मैंने बताया था कि अगर 210 रुपए के ऊपर क्लोजिंग कर देगा तो फिर 210 रुपए के ऊपर क्लोजिंग कर देगा तो यहां पर 240 रुपए का टारगेट मैंने उनको बताया हुआ है। तो फाइनली आज 230 रुपए का टारगेट आ गया। कल आप यहां पर बाइंग करना चाहते हैं तो 235 लेवल ध्यान से सुन लीजिएगा, 236 की क्लोजिंग के ऊपर आप यहां पर बाइंग करिएगा। 236 रुपए की क्लोजिंग आ जाती है उसके बाद आप यहां पर बाइंग करिएगा, वो इंट्राडे में टारगेट हमारा 242 का होगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी यहां देखिए कंटिन्यू 5 दिनों से यहां पर तेजी हम देख रहे हैं, मे बी यहां पर शायद प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है कल की डेट में, ध्यान रखिएगा क्योंकि यहां पर जो कैंडल बनी हुई है ये कैंडल जो डोजी टाइप की बनी हुई है, भले ही इसने क्लोज ऊपर की तरफ कर दिया है जब तक अपना हाई क्रॉस नहीं करता है, 280 का लेवल जब तक क्रॉस नहीं करता है तब तक यहां पर बाइंग नहीं करना है। हाँ 280 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है तब आप जाकर इसमें इंट्राडे में बाइंग कर सकते हैं, टारगेट हमारा 285 का होगा। चलिए अगर उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद जय मात्र।